अस्सलाम वालेकुम। आज अभी हम बाघा बॉर्डर से अभी देख के आए हैं। तारिक साहब, आपको कैसा लगा ये बताएं? बाघा बॉर्डर अच्छा तो लगा, लेकिन आप बोलते हैं अमन करो, दोनों मुल्क का मेल करो, कैसे होगा जब इतनी अकड़ होगी दूसरे? इसलिए थोड़ा मोहब्बत से रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, हम क्यों आज पीछे क्यों है दूसरे की तनाव की वजह से? क्या कि तू उससे ज़्यादा क्यों कर रहा है, मेरे से ज़्यादा क्यों? थोड़ा सा बराबर रहना चाहिए। तो इसकी जगह मतलब क्या करना चाहिए हमें जिससे मोहब्बत और अमन? ये तो आप ये सोच ही छोड़ दो कि ये मोहब्बत और अमन दोबारा हो सकती है। क्यों, वजह क्यों? वजह क्या उम्र के लिए? वजह क्या था उम्र के लिए? वजह क्या है इसमें? ये वजह ये है कि वो चाहता है कि मैं आपसे बढ़ के, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपसे बढ़। मतलब दोनों जगह ये है कि हर कोई चाहता है कि मैं शेर हूँ वो, और दूसरा बोलता है मैं शेर। मतलब दोनों में आपस में बराबरी नहीं है। जी ठीक है ताहिर साहब, आपका आज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा। तो ये शायद जिसने देखी होगी वो प्लीज़ इस वीडियो में रिव्यू ज़रूर दिएगा कि ये बाघा बॉर्डर में जो ये होता है हर दफ़ा, और ये ऐसा इसमें क्या करने से पीस पैदा हो सकता है। आपका भी मैं इसमें तारीफ कर दूँ आपकी। जी जी यार, नहीं हमारा पाकिस्तान जानदार है, जी ताकतवर है ये और वो। जी जी यार, लेकिन इसका क्या फायदा? सही, जब मोहब्बत ही नहीं होगी इसमें। सही, ओ खैर हो गई तो ये बात है आपकी। जी भाई ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सबका मैं फीडबैक ज़रूर चाहता हूँ, आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादातर इंडिया वाले मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ की सारी आपको इन्फॉर्मेशन फीडबैक्स वगैरह जो पाकिस्तान से प्यार करता है, और ये पाकिस्तानी भी मुझे ज़रा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ओके।